आपने कबूतर व तोते से लोगों को दोस्ती करते जरूर देखा या सुना होगा। लोग अक्सर घरों में कबूतर तोता जैसे जीव से दोस्ती करते हैं, लेकिन भागलपुर के एक युवक को अजीब ही शौक है और उसने अपना दोस्त काली चील को बना रखा है। हम बात कर रहे हैं भागलपुर के मुंदीचक के रहने वाले दीपक की। दीपक कई वर्षों से प्रकृति से प्रेम करते आ रहे हैं और उनका यह जीवन प्रकृति के प्रति ही समर्पित है। दीपक हाल में ही उल्लू, काली चील, मधुबाज, सांप, गिलहरी समेत कई तरह के पशु पक्षी को रेस्क्यू कर उसकी जान बचा चुका है। ऐसे में ही भीकनपुर के समीप एक रेलवे पटरी पर घायल काली चील को लाकर उसे बचाया था। तो वहीं तेज आंधी कारण दो चील ताड़ के पेड़ से नीचे गिरकर घायल हो गया था, जिसके बाद उसे बचाया था। उसके बाद उनसे गहरी दोस्ती हो गई और अब दोस्ती ऐसी हो गई कि छत पर आते ही जैसे ही हाथ हिलाते हैं वो चील उनके पास उड़ते हुए आ जाता है। इनके साथ बैठकर उनके हाथों से खाना भी खाता है। पक्षी प्रेम का यह अनोखा उदाहरण है। दीपक के घर में हर जगह गोरैया के घोंसले नजर आते हैं। करीब 50 घोंसला उसके घर में बने हुए हैं। इसमें करीब 100 गोरैया रहती है। वहीं जब दीपक छत पर जाकर अपना हाथ हिलाते हैं तो दो चील उनके पास आ जाते हैं और आते ही छत की बनी टंकी पर बैठ जाते हैं, जिसके बाद दीपक अपने हाथों से उसे खाना खिलाते हैं और वो चील उनके हाथों पर बैठकर खाना खाते हैं। इतना ही नहीं, उनके गोद पर बैठकर ये पक्षी खेलते भी है। यह अनोखा प्रेम देखकर आसपास के लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि जो पक्षी इतना खतरनाक होता है उनसे यह व्यक्ति कैसे दोस्ती कर बैठा है। इसको दोस्ती कहना अनुचित होगा। हम जैसे लोग ईश्वर की सेवा करते हैं, हम इनका जो है सेवा की है। ये बहुत छोटे से हम लोग कॉन्क्रीट के जंगल में हम लोग बसते हैं और मुंदीचक में आप जब मेरे चारों ओर ऊपर से देखेंगे तो आपको दूर दूर तक पेड़ पौधे का नामो निशान नहीं मिलेगा। हमारे एक संजोग से एक ताड़ का पेड़ है, इसी में इसके माता पिता ने घोंसला बनाया और ये दोनों जो है बहुत छोटे में, मतलब समझिए कि पंख भी ठीक से नहीं हो पाया था, वो पेड़ से गिर गया। तो जिसके कारण जो है एक तो एकदम लग रहा था दोनों ही मर जाएगा। रात्रि में उठा के लाए, इसको 2 महीना तक इसका सेवा किए और सेवा किए। कभी भी किसी भी जीव को अगर आप मनुष्यों द्वारा सेवा किया जाता है तो वो जो है पर्यावरण में रहने के लिए अनुकूल नहीं हो पाता, वो कमज़ोर हो जाता है, इंसानों का आदत हो जाता है और वो फिर शिकार करने और बाकी चीज़ में ही होता है। मगर इसके सबसे अच्छा चीज़ क्या रहा है कि इसको हम पूरे गर्मी में भी और बाकी चीज़ों में भी छत छोटे अवस्था में ही छत पर ही रख के, एक इसके ऊपर रहा एक इसके ऊपर रहा, हम ऊपर ही ये टायर लगाए हुए हैं, टायर के अंदर ही इसको रखे। तो ये क्या हो गया कि पर्यावरण अनुकूल जो है जो माहौल होता है, और चूंकि ये हैबिटेट ही है उसका इस पक्षी का, तो इसी में ये रहा। तो अब जो है प्राकृतिक वास में शिकार करने में भी सक्षम है, उड़ने में भी सक्षम है और थोड़ा लगाव हमसे हो गया है चूंकि नज़दीक बचपन से रहा है। तो ये बीच बीच में सुबह या शाम जब छत पर हम जब भी आते हैं तो ये दूर से उड़ करके आ जाता है। 3 है अभी मेरे पास, एक 12 नंबर रेलवे लाइन के ट्रैक में एकदम गिरा हुआ था। तो रात में एक बच्ची फ़ोन की थी तो प्रियदर्शनी करके है, तो फिर हम गए एक वहाँ से लेके आए थे। मगर संजोग है कि तीनों जो है ना यहाँ पर मेरे पास पूर्ण स्वस्थ है और आज एकदम अभी आप देखे होंगे वीडियो में कि एकदम जैसे ही हमको छत पे देखता है हाथ हिलाते हैं तो समझ जाता है भोजन मिलेगा, तो ये मेरे पास आ जाता है। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र के सदरुद्दीन चक मोहल्ले में 24 तारीख को हुई रेशमा हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त लकड़ी का मुंगड़ा के साथ रेशमा के पति मोहम्मद परवेज को हबीबपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की माने तो पैसे की लेन देन को लेकर रेशमा की हत्या की गई थी, लेकिन सूत्रों की माने तो अवैध संबंध को लेकर यह हत्या की गई थी। रेशमा का फुफेरे भाई से अवैध संबंध था। घटना की रात रेशमा अर्धनग्न अवस्था में फुफेरे भाई से बात करते हुए परवेज ने देख लिया था, जिसके बाद गुस्से में परवेज ने पत्नी रेशमा की हत्या कर दी। को हबीब थाना अंतर्गत सदीन चक में मोहम्मद परवेज अख्तर जो किरब में शादी किया था ये, और रात्रि में ये अपनी पत्नी के विषय में पैसा कुछ विवाद चल रहा था इन लोगों का, इसके साथ जो थी पैसा रखने के लिए बेटी को दी थी, आके उस पैसा को अपन निकाल के पैसा को खर्चा कर दिया, जिसका पत्नी या तरह सास घर के लोगों द्वारा विरोध किया गया था। उसी से ही आक्रोशित होकर एक भांस के मुरा रखा हुआ था जिससे पत्नी का सपा मार कर उसकी हत्या कर दी गई है। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं
तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, एबी मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर जिला अंतर्गत कहलगांव थाना क्षेत्र के मकससपुर गांव में एक नवविवाहिता का शव संदिग्ध अवस्था में कमरे में फंदे से लटकता हुआ मिला। वहीं लड़की पक्ष द्वारा पति और ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। मृतिका और उसके पति के बीच दहेज के सामान को लेकर अक्सर विवाद हुआ करता था। मृतिका की शादी 6 माह पहले हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद से ही पति दहेज के कुछ सामान को लेकर मृतिका को पड़ताली करता था। वहीं घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी गई। इसके बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और नवविवाहिता का शव अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया। वहीं घटना की जानकारी मृतिका के परिजनों को दी गई। मृतिका के परिजनों के द्वारा बार बार यह कहा जा रहा है कि मेरी अफसर बिटिया को मार दिया, अब मेरी कौन बिटिया पुलिस अफसर बनेगी, और मृतिका के परिजनों के आधार पर पुलिस हर बिंदु पर जांच में जुट गई है। मृतिका की पहचान सबौर थाना क्षेत्र के धर्मेंद्र तांती की 18 वर्षीय पुत्री मनीषा कुमार के रूप में की गई है। वर्ष 2023 में 28 नवंबर को मनीषा की शादी हिंदू रीति रिवाज से गांव थाना क्षेत्र निवासी रणवीर कुमार से हुई थी। कहले की लौटा ले कमरा मारे जी नंदा सरीना मारपीट कर गतनी से जन से हरदम कतर दहेज न दिया दहेज न दिया दे हमरा से हाउ न दिला चो कंची की जी पलंग न दिला चो गदरेज न दिला स्थान मारता रहले मगर बाद में कहां देती ओकरा कहां शादी होला छले मकसपुर में तो हाल का मकसपुर लड़का की करे छे लड़का काम करल दोनों भाईन बहु सेंट्रिंग ला की नाम छे लड़का के रणवीर से। भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र के कोयली खुटाहा रेलवे हॉल्ट के समीप एक युवक की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक युवक की पहचान कोयली खुटा निवासी घुरन यादव के पुत्र सोनू कुमार के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि सोनू अपने घर से खाने के बाद घूमने की बात कहकर निकला था, जिसके बाद गाँव के लोगों ने सोनू के परिजनों को रेलवे ट्रैक पर सोनू की लाश होने की सूचना दी। मृतक के परिजनों ने बताया कि सोनू की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। परिजनों ने हत्या की आशंका से इनकार किया है। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों बिंदुओं पर जांच कर रही है। 10 बजे खाना खाते हुए बाहर निकले, तो बाहर निकलने के बाद गर्म बहुत ज्यादा लग रहा था, नया पटरी घर, तो हम लोग सोचे कि आ ही जाएंगे, तो आए तो नहीं, मतलब बाद में हम लोग सो गए तो रात में पता चला 12 बजे तक एक्सीडेंट हो गया, हल्ला हुआ तो बस गए। भागलपुर के कहलगांव थाना क्षेत्र के अष्टावक्र मंदिर के समीप गंगा नदी में नहाने के दौरान एक छात्र की डूबने से मौत हो गई। मृतक छात्र की पहचान राम राय बाग खुटारी निवासी अजय कुमार मंडल के 13 वर्षीय पुत्र अमर कुमार के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मृतक छात्र घर से कोचिंग जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन अपने दोस्तों के साथ गंगा नदी में स्नान करने चला गया। इसी दौरान गहरे पानी में चला गया, जिससे डूबने से उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने घटना के 3 घंटे बाद छात्र का शव गंगा नदी से बरामद किया। गंगा नहाने के लिए गया था, ठीक है, हम लोग को पता नहीं था, कल संडे था, घर में बोल दिया कि जा रहे हैं गंगा नहाने के लिए, पढ़ने के लिए, उनके पिताजी गए हुए थे ड्यूटी, बच्चा नहाने गया, अब नहाने के क्रम में क्या हुआ डूब गया था। कैसे पता चला आप लोगों को?
उसके साथ में दो बच्चा और डूब रहे थे, गांव के ही थे। तो वो बच्चा ने जाके बोला, गांव में जाके हल्ला किया, तो उसके बाद हम लोग को पता।